सब्सक्राइब करें मंजीत एकेडमी चैनल को, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम टू मंजीत एकेडमी। आज हम पढ़ते हैं समास, ठीक है। और समास होता क्या है? तो समास होता ये है कि दो शब्दों के मेल को हम क्या बोलते हैं? समास। दो शब्दों के मेल को ही क्या बोलते हैं? समास, ठीक है ना। और सीधा सीधा सिखाऊंगा आपको कि समास के कितने टाइप होते हैं। समास के होते हैं कितने? छह टाइप। कौन कौन सा? सबसे पहला आ गया अपना अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुव्रीहि और छठा अपना है तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और आज शुरू करते हैं सबसे पहला समास, अव्ययीभाव समास। तो सीधी सी बात है, अगर शब्द में, किसी शब्द में यथा आ जाए शुरू में, ठीक है, भर आ जाए, ठीक है, प्रति आ जाए या आ जाए, तो समझ जाना कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। कहने का मतलब ये है, जैसे प्रतिकूल, ऐसा समास, ऐसा शब्द जिसको हम मेल या फीमेल दोनों उपयोग करें और इस पर कोई फर्क ना पड़े। प्रतिकूल, प्रतिदिन, जैसे औरत बोल सकती है कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ, और एक पुरुष भी बोल सकता है कि मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूँ। तो प्रतिदिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, प्रतिदिन पे, प्रतिकूल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे भर पेट औरत भी बोल सकती है और पुरुष भी बोल सकता है कि भर पेट खाना खाऊंगा या खाना खाऊंगी। तो यथा में, भर में, प्रति में और आ में जो शब्द शुरू हो गए, जैसे आजीवन, ठीक है ना, ये कौन से समास होंगे? अव्ययीभाव समास, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है अपना द्वंद्व समास, और इसकी सबसे आसान पहचान है जिसके बीच में डैश मिल जाए, जैसे माता पिता। कहने का मतलब एक ये है, दूसरा आपको पहचान करने की ट्रिक ये है, एक तो कैसा मिलेगा? एक पुल्लिंग मिलेगा और एक स्त्रीलिंग मिलेगा। मतलब कि क्या होगा? एक पुल्लिंग होगा, एक स्त्रीलिंग, और बीच में डैश। इसका मतलब होता है और, माता और पिता, जैसे राधा श्याम, ठीक है ना, जैसे सीताराम, चार चार चाची। मतलब कि एक मेल होगा, दूसरा क्या होगा? फीमेल, और बीच में निशान किसका आएगा? डैश का। तो आप समझ जाने कौन सा समास है? द्वंद्व समास। फिर हम चलते हैं कर्मधारय समास पे, ठीक है ना। अब कर्मधारय समास में क्या है? कर्मधारय से ही याद आ रहा है, देखो कर्म लिखा हुआ है, कर्म जो ये क्या करता है, एक वर्ड शब्द दूसरे शब्द की क्या करता है? कर्म दर्शाता है। जैसे नील गाय, ठीक है ना, नीली है जो गाय। इसमें देखो क्या पढ़ा जा रहा है जो, जिसमें है जो पढ़ा जाएगा वो कैसा हुआ? कर्मधारय। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। जैसे प्रधानमंत्री, एक शब्द दूसरे शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, कर्म बता रहा है। प्रधान है जो मंत्री, मतलब कि मंत्री तो बहुत है पर वो क्या है? प्रधान है। ऐसे शब्द कौन से होंगे? कर्मधारय। अब अपना आ गया द्विगु, ठीक है ना। और द्विगु शब्द की आसान सी पहचान है, उसके साथ में क्या आएगा? एक गणित का कोई शब्द आएगा, जैसे चौरहिया, ठीक है ना, चार आहो का मेल, तो चार आ गए उसमें चौरहिया में, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। छोड़ करके एक को ध्यान रखना है, अगर आपका आ जाए दशानन, ठीक है ना, तो दशानन द्विगु समास नहीं होगा, वो मैं समझाऊंगा क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। पर और छोड़ के जैसे तिर भवन, तीन भवनों का निर्माण, मतलब तीन भवनों का अगर मेल हो तो उसको क्या बोलेंगे? तिर भवन। तो तिर भवन तीन आ गया ना, तो कौन सा समास होगा? द्विगु। अगर उसके आगे गणित का अगर कोई वाक्य आ रहा है, गणित बोला जा रहा है, गिनती बोली जा रही है, तो कौन सा समास होगा? द्विगु। अब आ गया अपना बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास सबसे आसान। बहुव्रीहि समास उसको बोलते हैं जो लिखा तो कुछ और जाता है पर उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे नीलकंठ,
नीला है जिसका जिसका कंठ मतलब कि वैसे तो देखो यहाँ पर कर्मधारय पढ़ा जा रहा है, पर आप समझो नील कंठ नीला है जिसका कंठ, कुछ का नीला कंठ है शिव जी का, तो इसका मतलब लिखा कुछ हुआ है और इसका मतलब क्या होता है शिव जी, तो कौन सा होगा भवरी। जैसे लंबोदर लंबा है जिसका उदर, किसका लंबोदर है गणेश का, तो कौन सा आएगा समास भवरी, ठीक है ना। जैसे मैं अभी पूछ रहा था ना दशानन, तो दशानन में दस आ रहा है ना, पर इसका मतलब समझना दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है, तो दशा इसमें दस आ रहा है तो आप समझोगे दीगु समास, दीगु नहीं है, दशानन का मतलब होता है रमण, तो ये कौन सा समास आएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है दशानन। जैसे पीताम्बर पीला है जिसका अंबर किसका है भगवान का है, तो किस किस कौन समास आएगा बहुव्रीहि। और ये बच गया लास्ट अपना तत्पुरुष समास, और ये समास करवाऊंगा मैं आप आपकी लास्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू।